सारे बच्चों आपकी डिमांड पर, आपने जो रिव्यू दे रहे हैं उसी डिमांड पर हम लोगों ने स्टडी के वीडियो के साथ साथ कुछ ऐसे जो एमसीए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के वीडियो भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं खुद कर रहा हूँ। और एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि मैथ्स के जो भी वीडियोस मैं दे रहा हूँ तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल 100% उसमें त्रुटि कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। ये वाले आग्रह पर किए जा रहे हैं तो बच्चा इतना तो टाइम नहीं है कि, और इतना मेरी आदत भी नहीं कि मैं सारी वेबसाइट पर जाके डेटा को एनालिसिस करूँ। जो भी हम यहाँ पर रख रहे हैं बातें वो हमारे पर्सनल जो हम अपने आसपास बच्चों पर होते हुए या सुनते हुए जो बातें हैं वही इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं। उसमें कोई भी अगर लगता है कि कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप वहाँ पर कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैं उनका थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने खुद का कन्वर्सेशन करके रिप्लाई किया। ऐसे वीडियो में खुद का कन्वर्सेशन करें तो आपको प्रॉपर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, ठीक है। तो मैं इस कन्वर्सेशन को रखने के लिए, जारी रखने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक। और जो भी हमने देखा है उस चीज़ को हम यहाँ शेयर करेंगे, ठीक। लास्ट ईयर जो 2017 और 18 का जो पेपर था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। तो JNU के पेपर में लगभग 3 या 4 सालों में पेपर अपडेट होता चला जा रहा है। तो 2017-18 की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा सरप्राइज था कि नोटिफिकेशन 17 सितंबर को और से लेके 15 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर के बीच में उन्होंने रिलीज कर दिया फॉर्म की ये डेट थी, ठीक। जो हमारा एग्ज़ाम 2017 या उससे पहले 16 मई को हुआ करता था वो एग्ज़ाम 28 दिसंबर को तय किया गया। तो मई से 28 दिसंबर को एग्ज़ाम होना एकदम से उन सारे बच्चों में कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए, पर जो भी बच्चे थे उन्होंने फॉर्म को भरा। तो पिछली बार की तैयारी भी इसी तरीके से ली गई, उसी आधारित उसी बेस को मना के कुछ लोग या हम लोग अभी मान चल रहे हैं कि शायद दिसंबर में एग्ज़ाम हो, पर कोई ऑफिशियली ऐसा कोई अभी नोटिफिकेशन या कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन JNU की तरफ से नहीं आई है। जैसा कि पिछली बार का जो शेड्यूल था उसी तरीके से फिर भी हम लोग मान रहे हैं। तो पिछली बार का शेड्यूल क्या था कि नोटिफिकेशन यानी फॉर्म रिलीज इस समय हुआ, एडमिट कार्ड 10 दिसंबर के आसपास जनरेट हो गए और एग्ज़ाम डेट 28 दिसंबर को हो गई, ठीक है। और जो रिजल्ट निकला था वो मार्च के करीब रिजल्ट आउट हुआ था, ठीक। रिजल्ट में ड्यूरेशन काफ़ी लगा दिया था, वो रीज़न ये था कि जब उनका एग्ज़ाम 16 मई को होता था उसकी काउंसलिंग वो अगस्त या लास्ट जुलाई में कराते थे, तो काउंसलिंग बहुत लेट हो जाती थी तो बच्चे वहाँ पे एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। कुछ अभी जो लास्ट से लास्ट ईयर के बैच हैं वो बहुत ही कम बच्चे उसमें रहे। इस बार इन्फॉर्मेशन है कि 35 स्टूडेंट्स ने एडमिशन फिल लिया जो 2013-14 या उससे पहले हुआ करता था बैच। तो इस बार उस स्ट्रेंथ के साथ फिर से बच्चे पहुँचे क्योंकि उन्होंने एक्टिव पार्ट उन्होंने एक चीज़ों को अपडेट किया और जल्दी से काउंसलिंग कराई, ठीक। तो उससे उन्हें वहाँ पर प्रॉपर बैच चल रहा है। पहले देखा जाए 2013, 2005 और 2000 जो हमने डिवाइड करके रखा है, एनालिसिस करें ये हमने क्यों डिवाइड करके रखा है, इसका एक रीज़न है। जब भी आप उसकी तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो आप लास्ट ईयर के पेपर उठाते हैं, लास्ट ईयर के पेपर के आधारित ही तैयारी करते हैं। तो लास्ट ईयर के पेपर आप लास्ट ईयर 10 ईयर्स या 12 ईयर 15 ईयर्स जो भी आपके अवेलेबल पेपर हैं आप उठाएंगे तो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को आप सिलेबस मान लेते हैं, आप उन सिलेबस को मान के तैयारी करने लगते हैं। 2000 के करीब पेपर पूरा सब्जेक्टिव आया करता था, पेपर का पैटर्न क्या था, सब्जेक्टिव टाइप का था, कुछ क्वेश्चंस ही आते थे। फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स और डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ, क्वेश्चंस कुछ बढ़ाए गए। 2013 तक 120 क्वेश्चंस आते थे, क्वेश्चंस की संख्या 120 थी और टाइम हमारा 3 आवर्स का था, हम बोले इसका कुछ रीजन है बताने का, ठीक। और अभी 2017 इसके बाद जो इन पीरियड में क्वेश्चंस की संख्या 100 कर दी गई और टाइम अभी स्टिल 3 आवर्स का है रहा, ठीक है। क्वेश्चंस घटा के 120 से 100 कर दिए गए। अब अगर इन 2013 या 2005 की बात की जाए इस पीरियड में तो 120 क्वेश्चन में 35 के करीब क्वेश्चंस कंप्यूटर के आते थे
और बाकी बचे क्वेश्चंस रिमेनिंग मैथ्स आती थी, मैथमेटिक्स। जब वो सिलेबस लिखते हैं तो सिलेबस उनका तीन लाइन में होता है कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ मैथ्स एंड लॉजिकल एबिलिटी, ठीक है, और मैथमेटिक्स प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, इतने में सिलेबस ख़त्म हो जाता है। मगर इस समय का पेपर जब उठाओगे तो आपको ट्वेल्थ लेवल की मैथ्स दिखाई पड़ेगी, इस समय की बात कर रहे हैं, ट्वेल्थ लेवल की मैथ्स दिखाई पड़ेगी, जो भी आप कॉम्पिटिटिव लेवल पढ़ते हैं रियल एनालिसिस के क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ेंगे, मॉडर्न एलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनए, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, ठीक है, तो और उसके बाद थ्री डी, तो बीएससी का काफ़ी पार्ट उसमें आता था। तो जब आप पेपर उठाएंगे, लास्ट ईयर के पेपर खोजेंगे, मान लो अभी आप 2018 है, आप लास्ट ईयर के 10 या 15 पेपर साल के पेपर उठाएंगे तो आप यहाँ 2005 तक चले जाएंगे, ठीक है, तो आप पेपर का पैटर्न जब देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी दिखाई पड़ेंगे, तो आपको हेडेक बढ़ेगी, आप जिससे पढ़ भी रहे हैं उसको भी आप परेशानी में डालेंगे क्योंकि आप मानने वाले नहीं हैं, पढ़े भले ना, बट जो मेंटर होता है आप उसको ज़रूर पिंच कर देते हैं, ठीक। और उसके बाद कंप्यूटर में 35 क्वेश्चंस जो आते थे उसमें डीएस, डेटा स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं डीएस, ऑटोमेटा, ओएस, डीबीएमएस, मतलब एमसीए का पूरा कोर्स के सारे सब्जेक्ट, ठीक है, सी प्लस सी, तो सारे आते थे। तो आप जब उन सारे पेपर्स को उठाएंगे, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 2005, 2006, 2007 ऐसे पेपर देखेंगे, 2008 का देखेंगे, तो आपको 120 क्वेश्चन में ट्वेल्थ के आपको 50 करीब क्वेश्चन मिलेंगे, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर मिला के 120 क्वेश्चन होंगे। तो आप जब भी एडमिनिस्ट्रेट की तैयारी कर रहे होंगे, बीएचयू की तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ट्वेल्थ और लॉजिकल एबिलिटी और कंप्यूटर का बेसिक आता है। तो जब आप इस सेक्शन को देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इस सेक्शन में बहुत सारा सेक्शन आपको लगेगा पढ़ा नहीं है। मगर आप बात करते हैं 2017 या 2017-18 की, तो यहाँ पर क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आ गए, 100। बाद में अब रिसेंट में बात कर रहा हूँ, और 3 आर्स आ गया। तो देखिए जो पेपर का पैटर्न अभी है उसका इससे लिंक ना करें, पहली बात, लास्ट ईयर का पेपर उठाएं, मगर आपको इनसे लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या किया गया, 100 क्वेश्चंस दिए गए, उसमें से 25 करीब उन्हें लॉजिकल एबिलिटी और कंप्यूटर के लिए, लॉजिकल एबिलिटी बेसिकली कंप्यूटर भी हटा दिया, लॉजिकल एबिलिटी से मतलब है हमारा रीजनिंग के लेवल क्वेश्चंस, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ठीक है, इस टाइप क्वेश्चंस उन्होंने लिए, बाकी क्वेश्चंस मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स क्वेश्चंस कंप्यूटर के कुछ आए, 5-6 क्वेश्चंस कंप्यूटर के थे, बेसिक फंडामेंटल के थे, बाकी मैथमेटिक्स लिया उन्होंने। मैथमेटिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चंस ट्वेल्थ लेवल के थे, मतलब निमसेट पेपर का पैटर्न या बीएचयू पेपर पैटर्न्स, और बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, तो क्वेश्चंस इजी हो गए, ट्वेल्थ लेवल के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई, कुछ क्वेश्चंस मॉडर्न एलजेब्रा के, 1-2 क्वेश्चंस रियल एनालिसिस के, वो रियल एनालिसिस आप जान भी नहीं पाएंगे, वो कैलकुलस का ही पार्ट हो जाएगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस होगी तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिखाई पड़ेगा, तो ऐसा वो बहुत डीप में नहीं गए, ठीक। तो अगर आप जो पिछली बार के बेस को या आधार मानते हैं तो आप ट्वेल्थ लेवल की बुक्स को अच्छे से करिए, एप्टीट्यूड करिए, और आप कंप्यूटर फंडामेंटल के बेसिक कॉन्सेप्ट को सही रखिए, ठीक है, इतना करेंगे। और एक बात और ध्यान रखें कि जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ, मेरी बात ध्यान रखें, पेपर पैटर्न चेंज होने से टाइम ज़्यादा हो गया, 3 घंटे में 100 क्वेश्चंस, जबकि 3 घंटे में 120 क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस टफ थे वहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चंस को की कॉम्प्लेक्सिटी घटा दी गई। जब आप पेपर का 2005 और 2008 तक के पेपर को आप देखेंगे ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, एज ए मैं अपने आप को बताऊँ तो मैंने JNU का एग्ज़ाम 2008 में निकाला हुआ है, क्वालिफाई हूँ, सिलेक्टेड हूँ, अच्छी तरीके से सिलेक्ट हुआ था, तो MCA के दौरान तक भी वो क्वेश्चंस सॉल्व नहीं हो पाते थे, बहुत ही अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वहाँ के टीचर्स जो हैं, कुछ टीचर्स हमें पता है कि वो बनाते हैं, पेपर्स को सेट करते हैं,
वो बहुत अच्छे आर्किटेक्चर के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस उसमें रहते थे कि वो हिल नहीं पाते थे, तो अब वो चीज़ नहीं हो रही है। तो इससे हुआ क्या कि ज़्यादा टाइम में 100 क्वेश्चंस और पेपर का लेवल 12th लेवल पे करने की वजह से कट ऑफ बहुत हाई चला गया, और 100 क्वेश्चंस आते हैं जनरल कैटेगरी को, आप एश्योर करना चाहे तो आपको 85-90 क्वेश्चंस सही करके आने ही होंगे। ये हो गया, जिन्होंने 75 क्वेश्चंस किए ठीक है उनका भी डाउटफुल था, उनका भी नहीं हो पाया। तो आपको लगेगा एग्ज़ाम जब देने, मेरी बात ये बात मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि JNU में बहुत सारे लोग 100% श्योर रहते हैं, 70-75 क्वेश्चन कर लेते हैं, लगता है कि उनका हो ही जाएगा, जब पेपर का रिजल्ट आता है तो मायूस हो जाते हैं वो। इसलिए ध्यान रखें कि JNU के पेपर में जो बॉयज़ हैं, क्योंकि गर्ल्स को एक और वेटेज मिलता है, 10 पॉइंट मिलते हैं, 10 पॉइंट्स उनको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, उससे उनका काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। तो जो गर्ल्स बॉयज़ हैं वो बॉयज़ ध्यान रखें कि गर्ल्स के पास डेप्रिसिएशन पॉइंट भी हैं, और रूरल एरिया और अर्बन एरिया, जो रूरल एरिया उनको भी पॉइंट्स मिलते हैं। वो आप सिलेबस देखेंगे और उनके नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो सारी चीज़ पता चल जाएगी, उस बात को हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करेंगे। JNU के बारे में आप सोच रखें तो आपको पेपर में 100 क्वेश्चंस में से 95 क्वेश्चंस आपको करने ही होंगे, आज की डेट में जो पेपर हो रहे हैं करके करने होंगे, और गलती आपको नहीं करनी होगी। 85+ क्वेश्चन सही होने ही चाहिए, तब आप पहली लिस्ट में बना के रखें। सेकेंड और थर्ड लिस्ट में आपका नाम आता है तब तक आप मतलब वो तीन लिस्ट निकालते हैं और हर लिस्ट में कम से कम 15 दिन का गैप रखते हैं। तो पहली लिस्ट में नाम नहीं आएगा तब तक आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके एग्ज़ाम में एडमिशन ले लिए होंगे। डिमसेट में जाएंगे तो फीस अच्छी खासी लगेगी तो आप छोड़ के नहीं आएंगे ठीक है। तो कोशिश करेंगे पहली लिस्ट में आपका नाम रहे ठीक। इन बातों पे डिस्कशन इसलिए किया कि आप पहले से एश्योर हो जाएं, और जो बुक्स बताई गई हैं मावला क्लासेस के लेक्चर्स इस टाइप के सेशन लिए गए, आप उन सारी बुक्स को फॉलो करिए। और अभी एग्ज़ाम कंफर्मेशन नहीं हुई है, अगर आप मान के चलते हैं कि JNU का एग्ज़ाम आपको देना है तो आप तैयारी अपनी टाइट रखिए, हो सकता है कि पेपर जल्दी करा दें या उसी टाइम पर कराएं। एक और बात हम बताने वाले हैं कि बहुत सारे लोग जो JNU में अभी कुछ एक्टिविटी हो रही हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पे माहौल अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो साइंस के डिपार्टमेंट हैं वो आर्ट्स के डिपार्टमेंट से बिल्कुल सेपरेट है। हमने देखा है साइंस में कोई ऐसी एक्टिविटी पॉलिटिक्स की एक्टिविटी नहीं होती है, वहाँ पर प्रॉपर पढ़ाई होती है, उसका बिल्कुल उनसे पॉलिटिक्स से कोई सेपरेशन नहीं। हम लोग 3 साल रहे, हम लोग जान भी नहीं पाते थे कि क्या घटना हो रही, क्या चल रहा है ठीक है। तो ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन अपने दिमाग में ना पालें। और लोग बोलते हैं कि वहाँ प्लेसमेंट सेल नहीं है, बहुत सारे लोग हमसे बोलते हैं, तो प्लेसमेंट सेल ऑफिशियली नहीं है, और आप कहीं पर भी पता करें, आप अगर जाएंगे तो प्लेसमेंट्स कुछ आपके बैच के ही कुछ लोग मेंबर आप इलेक्ट करोगे, टीम बनाओगे, वही कंपनियों को कॉन्टेक्ट करेंगे और कंपनियां आएंगी। तो वहाँ पर अभी बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट्स का भी प्लेसमेंट अभी मेरे ही बच्चे थे, पढ़ाए हुए बच्चे, उनका हुआ है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं, उस समय भी कोई समस्या नहीं थी, फ़ीस बहुत कम है। फ़ीस के बारे में पता करेंगे तो आपको लगेगा कि इतनी सस्ती फ़ीस हो सकती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो बच्चे जो रूरल एरिया के हैं, मेहनती हैं, उन बच्चे से एज ए मैं पर्सनली बोलूँगा, जिनके 60% नहीं है ठीक है, वो बेहिचक JNU के लिए आप एक माइंडसेट रखें। जो रिमर फैले हुए हैं वो लोग रियलिटी जानते नहीं हैं। मैं एज ए टीचर ना होके JNU का एक एज एलुमनाई और JNU का पार्ट था, उस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कम फीस में आप अच्छा कोर्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लेसमेंट का भी कोई समस्या नहीं है ठीक है। आपका जो भी माइंडसेट है, निमसेट आपके पास नहीं है तो एक अच्छा एग्ज़ाम आपके पास है, आप तैयारी करिए। बस आपको करना क्या है कि आपको 100% एफिशिएंसी दिखानी है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है, वहाँ पर क्वेश्चंस इजी हो गए हैं, टाइम उतना ही बना के रखा है, 3 घंटे बहुत होता है, और जब आपके क्वेश्चंस अगर गलत हो जाते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका, आपको लगेगा कि हो जाएगा बट होगा नहीं, क्योंकि 2 साल से मैं देख रहा हूँ ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रिलेवेंट थी, आपको अच्छा लगा, तो आप जो भी कन्फ्यूज़न हो या जो भी कन्वर्सेशन हो आप जारी रखें। 2 वीडियो मैंने देखा है कि आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अगर लास्ट तक आप हैं तो, अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हम कोशिश करेंगे
बट हमने बोला ही है कि ये हमारे एक्सपीरियंस जो हमने सीखा है, बच्चों से सीखा है, जो जाना है उसी बेसिस पे हम नोटिफिकेशन देखकर सारी चीज़ें कलेक्ट करके आपको यहाँ पे 1-to-1 उस तरीके से नहीं डाल पाएंगे, ये मेरा प्रयास भी नहीं है और इस सेक्शन को हम देखते भी नहीं हैं। जब भी फॉर्म या किसी भी नोटिफिकेशन आते हैं तो कुछ लोग हमारे पास हमारे यहाँ हैं, वो लोग इस बात में एक्सपर्ट हैं तो वही चीज़ को हैंडल करते हैं। इसलिए कोई त्रुटि अगर होती है तो उसके लिए आप वहाँ पर डालेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे शेयर्स और आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन वहाँ से प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। आपको कैसा लगा आप ज़रूर उस बात पर लिखिए और आगे इसी तरीके से भी हम लोग चर्चा जारी रखेंगे। ठीक है।